सभी को नमस्कार। मैं नीलम सपना कार मंच में आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं अपनी एक पाती भी आप लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ। उसके पहले मैं कुछ शब्द और कहना चाहती हूँ। परम आदरणीय डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी एवं मैडम मीना सिरोला जी को मैं नीलम सपना जयपुर से नमन करती हूँ। साथ ही श्रीमान अशोक सक्सेना जी एवं जोशी जी को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे आज पाती वाचन का अवसर प्रदान किया। पाती अपनों को का यह अभियान गत 4 वर्षों से नेगी सर द्वारा सफलतापूर्वक सतत संचालित हो रहा है। नेगी जी ने जो पाती साहित्य को पुनर्जीवित कर दिया किया है, साथ ही साहित्य प्रेमियों की ज्ञान पिपाशा को भी उन्होंने शांत किया है। नेगी सर का यह भागीरथी प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा है। इस पावनी गंगा में मैंने भी अपनी पातियों को पवित्र स्नान करवा ही दिया। नेगी सर के इस पावन अभियान ने तो मानो एक जन आंदोलन का ही रूप ले लिया। इसमें आज की तीनों पीढ़ियों ने पढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसमें आज के टेक्नोलॉजी और मोबाइल युग ने तो पाती लेखन को विलुप्त प्राय ही कर दिया है। साथ ही आज की पीढ़ी को पाती लेखन का कोई अनुभव नहीं रहा। मैं स्वयं भी गत 2 दशकों से तो किसी भी तरह का पत्र व्यवहार नहीं कर पा रही थी। इसका सबसे बड़ा कारण मोबाइल फोन है। आज हम विदेशों तक भी अपने मोबाइल से बात कर लेते हैं, लेकिन क्या हम इससे संतुष्ट हो पाते हैं? नहीं ना। हम अपने भावों की अभिव्यक्ति जितना लिखकर कर पाते हैं उतना शायद मोबाइल पर नहीं कर पाते हैं। मुझे आज भी वे सुनहरे दिन याद आते हैं जब हमें अपनों की पाती का इंतजार रहता था। नज़र दरवाजे पर ही रहती थी कि कब डाकिया बाबू आएंगे। खतों के आदान प्रदान और उनके आने के इंतजार का एक अलग ही आनंद होता था। मुझे आज भी याद है, माँ जब नानी को खत लिखवाती थी तब अपने व अपने घर परिवार के सारे समाचार लिखवा देती थी। मैं घरों से फूली नहीं समाती थी जब माँ कहती कि मेरी बेटी सयानी हो गई है, अब यह खत लिखने और पढ़ने लग गई है। फिर उधर से मामा द्वारा नानी का खत आता तो उसे भी उतने ही आनंद से मैं पढ़ती थी। जब बाबूजी 1970 में भारत पाक युद्ध के दौरान बॉर्डर पर थे तब भी माँ मुझसे ही खत लिखवाती थी। विवाह के पश्चात पतिदेव भी फौज में होने के कारण अधिकांशतः बाहर ही रहते थे और हम अपनी भावाभिव्यक्ति पातियों के द्वारा ही करते थे। जब से मोबाइल चलन में आया है तब से तो पत्र लेखन स्वतः ही बंद होता चला गया। पहले कार्यालयों में भी पत्र व्यवहार द्वारा ही कार्य हुआ करता था, अब उसका स्थान भी ईमेल ने ले लिया है। मैं यह नहीं कहती कि संचार के ये साधन उपयोगी नहीं हैं। हाँ, परिवर्तन समयानुसार आवश्यक तो है, पर हम इन सब के कारण अपनी पुरानी संस्कृतियों को भूलते जा रहे हैं। उन्हें भी इस संस्कृति से हमारे बच्चे भी दूर होते जा रहे हैं, तो उन्हें भी इस विधा का ज्ञान तो होना ही चाहिए ना। पत्रों का चलन बंद होने के कारण डाक विभाग पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। अब तो पोस्ट कार्ड तो बिल्कुल ही बंद हो चुके हैं।
ऐसे में नेगी सर ने इस विधा को पुनर्जीवित करने की मुहिम चलाई और उनकी सहभागिनी श्रीमती मीना सरोला जी ने उनके साथ कदम से कदम मिलाकर पाती प्रतियोगिता का आयोजन किया। जब मैंने इस पाती प्रतियोगिता की विज्ञप्ति पढ़ी तो सभी प्रतियोगिताओं में अपनी भागीदारी निभाई, साथ ही इन पत्रों को मैंने अपने परिवार व मित्र मित्र आदि सदस्यों को भी सुनाया, जिनसे वे भी इस प्रतियोगिता का हिस्सा बन चुके हैं। नेगी सर ने प्रतियोगिता में से चयनित पातियों की पुस्तकें भी प्रकाशित करवाई। इन पुस्तकों का वितरण भी प्रतिभागियों और स्कूल कॉलेज के पुस्तकालयों में करवाया। इसके साथ ही सभी प्रतिभागियों को सम्मानित कर उनको प्रोत्साहित भी वे करते रहते हैं। ये पुस्तकें निश्चित ही भावी पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होंगे। आज मुझे भी जन सरोकार मंच द्वारा पाती वाचन का यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी श्रोताओं की भी बहुत आभारी हूँ। आप अपना अमूल्य समय मेरी इन पातियों को सुनने के लिए दे रहे हैं। तो प्रस्तुत है आप लोगों के सामने मेरी कुछ पातियाँ। पहली पाती में माँ की पाती पुत्री के नाम पढ़ना चाहूँगी। तो अब आपके सामने मेरी पाती प्रारंभ करती हूँ। प्यारी बिटिया प्रिया, सदा खुश रहो। कल ही तुमसे मोबाइल पर बात हुई तो लगा तुम ससुराल में कुछ अनमनी सी रहती हो। बिटिया, तुमने ये विवाह अपनी मर्जी और पसंद के लड़के से किया है और वह भी विजातीय परिवार में। शुरू में हम दोनों परिवारों को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन दोनों परिवार आपस में मिले और एक दूसरे को समझा तथा दोनों ही परिवारों ने अपने बच्चों की खुशी को तरजीह दी। तुमने बताया कि अब तुम्हारा मन ससुराल में नहीं लगता है क्योंकि तुम्हारी सास टोका टोकी करती है और यह बात तुम्हें विचलित करती है तथा अब तुम अलग रहने पर विचार कर रही हो। देखो बिटिया, मुझे पता है कि तुम स्वतंत्र विचारों की हो। मैंने भी हमेशा ही तुम्हें अपने नज़रिए के लिए स्वतंत्रता दी है, पर बेटिया, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में फर्क होता है। हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज अथवा परिवार में रहने के कुछ नियम कायदे तो होते हैं ना। फिर जिस तरह के व्यवहार की हम अपेक्षा करते हैं तो वैसे ही व्यवहार की परिवार व समाज भी हमसे अपेक्षा करता है। तुम समझ गई होगी मैं कहना क्या चाहती हूँ। बिटिया, विवाह में केवल पति पत्नी का मिलन नहीं होता बल्कि दो परिवारों का भी मिलन होता है और मैं तुम्हारे सास ससुर से भी मिली हूँ। वे बहुत ही भले और मिलनसार लोग हैं। खासकर तुम्हारी सास रंजना जी तो मुझे बहुत ही संभ्रांत लगती हैं। हाँ, जनरेशन गैप के कारण हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। नई पीढ़ी को भी पुरानी पीढ़ी के विचारों से तालमेल बैठाना तो चाहिए ना। तुम्हें निशांत बहुत प्रिय है तो उसके माँ बाप से भी उतना ही सरोकार होना चाहिए। हाँ, शुरू में थोड़ी परेशानियाँ आती हैं क्योंकि तुम आधुनिक पीढ़ी के बच्चे हो, नए विचार नई टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हो, लेकिन हम पुरानी पीढ़ी भी गुणों और अनुभवों की खान है। मैं भी तो जाने कितने ही बार तुम्हें किसी भी कारण से टोक देती थी और तुम
अपनी गलती को हंसकर सुधार लेती थी। तो वह भी तो तुम्हारी माँ जैसी है, बस एक बार तुम उनको एक माँ के नजरिए से देखो तो तुम्हें बात बुरी नहीं लगेगी। फिर हो सकता है हमारे खान पान और रीति रिवाज में कुछ अंतर हो, तो कोई बात नहीं, हम कुछ रीति रिवाज व खान पान उनके अपना लें और कुछ प्यार से उन्हें अपनाने के लिए भी मना लें। देखो बेटिया, तुमने प्यार से में कुछ अलग ही सपने देखे होंगे, लेकिन सपने और हकीकत में बहुत अंतर होता है। हमें ज़मीन से जुड़कर चलना चाहिए। मैं यह भी समझ रही हूँ कि तुम्हें सास वाले रिश्ते से बहुत चिढ़ है, जिसका कारण तुम्हारी दादी का मेरे प्रति जो बर्ताव तुमने देखा, बस इसी लिए तुम्हारे मन में सास के प्रति एक दुराग्रह बैठ गया है। लेकिन बिटिया, सभी एक जैसे नहीं होते। फिर तुम्हारी दादी उस जमाने की महिला थी जब समाज में महिला को, खासकर बहुओं को, ससुराल में कोई अहमियत नहीं दी जाती थी, और कालांतर में जब वे सास बन जाती तो उन्हें लगता है कि अब उनका शासन आ गया है, तो क्यों न वे भी उसका भरपूर उपयोग करें। साथ ही उन्हें यह भी डर रहता है कि बहू को किसी भी कार्य में साथ लेकर चलेंगी अथवा कोई सलाह लेंगी तो बहू माथे पर न चढ़ जाए, इसीलिए किसी भी तरह के काम में बहू की दखलंदाजी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। फिर उस समय जो वे समाज में देखती थी बस उसे ही अपनाती थी और अपेक्षा रखती थी कि जिस तरह से बहू बनकर अधिकारों से वो वंचित रही, उसी तरह हमारी बहुएं भी उपेक्षित रहें और अधिकारों से भी वंचित रहें। तुमने बचपन से ही देखा होगा कि मैंने तुम्हारी दादी से ऊंची आवाज़ में कभी बात नहीं की, लेकिन साथ ही अपने अधिकारों का भी हनन नहीं होने दिया तथा अपनी पढ़ाई पूरी करने, अपनी मंजिल हासिल करने की एक सफल अध्यापिका भी मैं बनी। जब भी कोई अनुचित बात मुझे उनकी लगती तो मैं उसी समय विरोध करने के बजाय जब वो अच्छे मूड में होती तब इस विषय पर बात करती और उन्हें विस्तार से अपनी बात भी समझाती, तो थोड़ा ना नुकर के बाद वो मेरी बात मान ही जाती थी। इसी तरह मैंने उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए मनाया, फिर बीएड के लिए मनाया और फिर नौकरी के लिए भी उनको मना ही लिया। इसी तरह मैंने पूर्ण रूप से उनके विचारों में परिवर्तन ला दिया। इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए कोई व्यवधान नहीं डाला और फिर तुम तो उनकी कितनी लाडली रही हो। दादी के रूप में तुमने भी उन्हें खूब चाहा और मान दिया, क्योंकि मैंने कभी भी उनके प्रति तुम्हारे मन में दुर्भावना का बीज नहीं पनपने दिया। हमने अपने आपसी विरोधाभासों को तुम पर कभी हावी नहीं होने दिया। फिर भी न जाने तुम्हारे मन में सास के प्रति ये पूर्वाग्रह कैसे आ गया। खैर, मैं नहीं चाहती कि जब तक आप किसी को अच्छी तरह जान नहीं लेते उसके बारे में किसी तरह की अच्छी बुरी राय नहीं बनानी चाहिए। कहते हैं ना, दो कदम तुम आगे बढ़ो और दो कदम वो भी बढ़े, तभी तो बात बनेगी। और मेरा तो कहना है कि या तो स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लो अथवा स्वयं ढल जाओ। इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि अंधानुकरण करो, बल्कि समझदारी से काम लेते हुए वातावरण के अनुकूल काम करो। आधुनिक समय में सास भी तो पढ़ी लिखी होती हैं, वे समय अनुसार अपने आप को ढाल रही हैं और नहीं चाहती कि जो उन्होंने भुगता वह बंदिशों में रही उनकी अगली पीढ़ी के साथ भी ऐसा हो।
वे जानती हैं कि लड़की अपने माता पिता एवं परिजनों को छोड़कर नए परिवार में आती हैं और उसे अपनाती हैं, तो उनकी कोशिश भी यही रहती है कि वे अपने बहू को उतना ही लाड़ प्यार से रखे ताकि उसे माँ बाप की कमी न खले। बिटिया, अब तुम्हारे भाई की भी शादी होने वाली है, वह भी अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करने वाला है। हम सब ने देखा है कि लड़की बहुत ही सुशील व संस्कारी है, फिर सोचो अगर वह भी तुम्हारे भाई के साथ परिवार से अलग रहना चाहेगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? बस इसी तरह तुम्हें भी अलग रहने की बात अपने मन से निकाल देनी चाहिए। अपने परिवार के साथ सामंजस्य बैठाने का प्रयत्न करो। तुम जितना परिवार को मान और प्यार दोगी उतना ही तुम्हें भी वही मान और प्यार मिलेगा, ये मेरी धारणा है। तुम मेरी समझदार बेटी हो, मुझे आशा है कि उपरोक्त बातों पर गौर करके तुम एकदम उचित निर्णय लोगे। मेरी लाडो, ये बातें मैं तुम्हें मोबाइल पर नहीं समझा सकती थी, इसीलिए तुम्हें यह पत्र लिखा है, क्योंकि अपनी भावाभिव्यक्ति इस पत्र के द्वारा ही प्रकट कर सकती हूँ। शुभकामनाओं सहित तुम्हारी प्यारी माँ। तो अभी आपने मेरी पाती सुनी, माँ की पाती पुत्री के नाम। अब मैं अगली पाती एक पाती मित्र के नाम पढ़ने जा रही हूँ, कृपया सुने। माई डियरेस्ट रेखा, खुश रहो। यह पत्र देखकर तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा, वैसे तो हम मोबाइल पर अपने सुख दुख की घंटों बतिया लेते हैं, पर आज सोचा क्यों न अपने मन की अभिव्यक्ति इस पत्र द्वारा ही व्यक्त करूं। इस समय तुम अंकल जी के निधन के संताप से बाहर नहीं निकल पा रही हो, इसी कारण मेरा मन भी व्यथित रहता है। कल ही तुमने बताया कि गज्जू भैया का विचार है कि तुम्हें व अम्मा को वे ऑस्ट्रेलिया बुला लें। मुझे सुनकर बड़ा धक्का लगा, तुम्हारे बिछों से ही मैं लरजने लगती। तुमने कहा आखिर यहाँ हमारा रखा ही क्या है, जरा सोचो तुम्हारा यहाँ क्या नहीं रखा, सभी कुछ तो है यहाँ पर। तुम्हारी बड़ी बहन जैसी सखी, दो बड़ी बहनें, उनके बच्चे, तुम्हारे चाचा जी का परिवार, सभी तो है यहाँ पर। सबसे बड़ा तो तुम्हारा कर्म है, यहाँ तुम एक अच्छी प्राचार्य के रूप में जानी जाती हो, कितने ही बच्चों का भविष्य तुमने संवारा है और कितने ही बच्चों ने अपना भविष्य तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए तुम्हें सौंप रखा है। अभी तो यह निर्णय तुम तात्कालिक रूप में अपने दुख से उबरने के मद्देनजर ले रही हो, पर तनिक सोचो क्या पराए देश में जहाँ कोई भी अपना नहीं है तुम रह पाओगी? क्या वहाँ पर तुम्हें अपनी संस्कृति, खान पान, रहन सहन ये सब मिल पाएगा? माना कि वह देश, वहाँ का सौंदर्य सब अच्छा, लेकिन यह सब हमें पर्यटन के लिए ही अच्छा लग सकता है, बसने के लिए नहीं। देश छोड़ परदेश को अपनाना अच्छा विचार नहीं माना जा सकता। फिर अम्मा की भी तो सोचो, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी देश की मिट्टी में व्यतीत किया, क्या वे अपने मन को रमा पाएंगी? वो तो हमेशा से ही चाहती हैं कि गज्जू भैया अपने वतन लौट आए। मेरे विचार से तो यहाँ अंकल के बसाए चमन को उजाड़ कर तुम्हारा वहाँ जाना गलत होगा। तुम एक बार गज्जू भैया को समझाओ, देखना वे अवश्य ही अपने वतन लौट आएंगे।
उन्हें अपने वतन की खुशबू का एहसास तो कराओ। और अब तो वे सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, फिर क्यों न यहाँ अपने वतन में आकर अपना ज्ञान अपने ही वतन के लोगों के साथ बांटे। वैसे तो तुम भी अपना वतन नहीं छोड़ना चाहोगी, सो सेवा से त्याग पत्र देने से पूर्व पुनः अपने निर्णय पर विचार कर लो। अपना वतन, अपने लोगों का प्यार तुम्हें परदेश में जाने ही नहीं देगा। अतः मेरी सखी, इस विषय में सोच समझ कर ही अपना निर्णय लेना। जाने क्यों फोन पर तुम्हें इस विषय में कुछ भी नहीं कह पाई। कुछ भावनाएं शायद पत्र द्वारा ही अभिव्यक्त की जा सकती हैं। अच्छा, अम्मा को मेरा सादर प्रणाम कहना। अब शीघ्र ही तुमसे मिलूंगी, तुम्हारी सखी नीलम सपना। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने बड़े धैर्य से मेरी इन पाथियों को सुना। और एक बार पुनः मैं आदरणीय नेगी सर को, मीना जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस पाती से मुझे जोड़ा। और साथ ही जन सरोकार मंच के आदरणीय सक्सेना जी एवं जोशी जी को भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरे को यह सुअवसर दिया और मैंने अपनी मन की बात, अपनी पातियों की अभिव्यक्ति आप लोगों के सामने रखी। धन्यवाद।